हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी आर अंबेडकर साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप शायद ये कहेंगे कि ये हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे संविधान के जनक हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। मगर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, मगर हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो उन्हीं 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है उनके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी ने जब बी आर अंबेडकर साहब को अपने पास बुलाया, कब? 1931 बॉम्बे में, याद रखिएगा डेट 1931 बॉम्बे में। ठीक है, तो गांधी जी ये जानना चाहते थे कि क्यों बी आर अंबेडकर साहब कांग्रेस और गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, जबकि गांधी जी तो अनटचेबिलिटी को खत्म भी करना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप बता दीजिए। तो गांधी जी कहते हैं, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि आप अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए या कांग्रेस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही है, कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि जब मैं स्कूल में था और जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मैं अनटचेबिलिटी की जैसी समस्याओं के बारे में सोचता हूं और बहुत सीरियसली सोचता हूं। वो एक ऐसा समय था जब गांधी जी के सामने आर्ग्यूमेंट करना और उनके मुंह पर उनका विरोध करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं थी। बी आर अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर गांधी जी आप सीरियस होते तो आप कांग्रेस ज्वाइन करने की शर्त जो है आपने लगाई क्या है कि खादी का कपड़ा पहनना होगा, तभी आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस होते अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, तो आपको यह शर्त रखनी चाहिए थी कि जो लोग अस्पृश्यता का पालन करेंगे उन्हें हम कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं देंगे, उन्हें कांग्रेस की सदस्यता नहीं मिल पाएगी। सप्ताह में एक बार आपको अछूतों के साथ बैठ करके खाना खाना होगा, तभी आपको कांग्रेस की सदस्यता मिलेगी। तो ऐसे थे बी आर अंबेडकर साहब। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप सब लोगों को जानना ही चाहिए। बी आर अंबेडकर साहब का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? अनटचेबल महर कास्ट में हुआ था। पहले जो ए रीजन था महू, याद रखिएगा अच्छे से नाम, MHOW महू, ये गायकवाड़ राजाओं के क्षेत्र में आया करता था और महाराष्ट्र कहलाता था, लेकिन बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये करीब 14 भाई बहन थे और सबसे छोटे जो थे अपने घर में वो बी आर अंबेडकर साहब थे। बी आर अंबेडकर साहब, अंबेडकर वॉज द 14th एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, याद रखिएगा। इनका नाम जो था वो क्या था? अंबा वाड़ेकर। इनका सरनेम अंबा वाड़ेकर था, लेकिन स्कूल में जो टीचर थे इनके, उन्होंने इनका नाम क्या कर दिया? अंबेडकर साहब। और तब से इनका नाम अंबेडकर, सरनेम जो है वो अंबेडकर ही हो गया। बाबा साहब अंबेडकर स्टडीड एट यूनिवर्सिटी इन यूएस। उस जमाने में उन्होंने यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी से शिक्षा प्राप्त की थी। और एक बात मैं यहां पर आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि सबसे ज्यादा डिग्री हासिल करने वाले उस समय दुनिया में, भारत में तो पहले थे ही वो, दुनिया में बहुत कम लोगों में से ये को कम लोगों में गिने जाते थे जिन जिन जिन्होंने इतनी एजुकेशन प्राप्त की थी। याद रखिएगा, यूएस, ब्रिटेन और जर्मनी, इन्होंने भारत में अपनी ग्रेजुएशन तक की परीक्षा की पास की और उसके बाद ये जो है कहां चले गए? ब्रिटेन चले गए। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कोलंबिया।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री ली थी और उनका डॉक्टरल थेसर जो थीसिस था वो आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ड्यूरिंग दीज थ्री इयर्स, देखिए ये इन 3 सालों में जिस समय ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, ये 21 आवर्स की पढ़ाई करते थे। आपको सुनने में बहुत आश्चर्य होगा लेकिन आप देखिए अंबेडकर साहब ने 3 साल के अंदर 29 कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स किए, 11 कोर्सेज इन हिस्ट्री कंप्लीट किए, 6 कोर्सेज इन सोशियोलॉजी कंप्लीट किए और 5 कोर्सेज इन फिलोसॉफी एंड 4 इन एंथ्रोपोलॉजी, 3 इन पॉलिटिक्स एंड 1 ईच इन एलिमेंट्री फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है। इतने सारे कोर्स किए उन्होंने सिर्फ 3 साल के दौरान, समझ गए। बी आर अंबेडकर साहब वॉज मास्टर इन 64 सब्जेक्ट और इन्हें लगभग 11 लैंग्वेजेस का ज्ञान था, 11 लैंग्वेजेस और 64 सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट थे। बाबा साहेब इज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव वैल्यूएबल डॉक्टरेट डिग्री नेम्ड डॉक्टर ऑल साइंस। ही इज द फर्स्ट पर्सन एंड ओनली पर्सन टू रिसीव दिस डिग्री विच इज कॉल्ड एज डॉक्टर ऑल साइंस, ठीक है। हर एक साइंस में ये डॉक्टर की उपाधि इन्हें मिली थी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इन्हें डॉक्टर ऑल साइंस की उपाधि दी। मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैव ट्राइड इट बट दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल अंटिल नाउ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर ट्राई किया लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुए हैं, ठीक है। बाबा साहेब के पास पर्सनल लाइब्रेरी थी इनकी, यहां पर भी एक कहानी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको ये राजगीर कहते थे, ठीक है, जिसमें पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 से ज्यादा किताबें इनकी लाइब्रेरी में हैं, ठीक है। अब अंबेडकर साहब से कभी भी कोई भी इंसान, इतनी सारी किताबें उनके पास थी उसके बावजूद अगर आपने उनसे किताब उधार मांगी तो वो कहते थे कि अगर तुम्हें किताब पढ़नी है मेरे लाइब्रेरी से तो मेरे घर पे आओ, मेरे लाइब्रेरी में आओ, वहां पर बैठो, जितनी देर बैठना है बैठो, पढ़ो और जाओ, लेकिन मेरे से किताब मत मांगो, समझ गए। तो ये जो कलेक्शन है बुक्स का, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी, याद रखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी थी उनके पास, ठीक है। जहां भी जाते थे वो किताब खरीदते थे और जहां भी जाते थे रास्ते में वो किताब पढ़ते हुए जाते थे, ठीक है। हमेशा जब भी घर में वो खाली समय में बैठे हुए करते थे अपने, तो किताबें ही पढ़ा करते थे, 2-3 किताबें, ठीक है। तो वो ऐसा माना जाता है कि बहुत फास्ट रीडर थे। हिज 20-page लॉन्ग ऑटोबायोग्राफी, और देखिए हिंदुस्तान में भले ही हम कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी इनके ऊपर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पे जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है, आज भी उनके यहां ये पाठ पढ़ाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इज द ओनली इंडियन हुज स्टैच्यू इज अटैच्ड टू कार्ल मार्क्स इन लंदन म्यूजियम। लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ ही अंबेडकर साहब की स्टैच्यू मूर्ति जो है वो रखी गई है, ठीक है। ही इज गिवन द क्रेडिट ऑफ गिविंग प्लेस टू अशोक चक्र इन द इंडियन ट्राइकलर फ्लैग। जो हम लोग आज अपने झंडे में जो अशोक चक्र देखते हैं बीच में वो इन्हीं की देन है ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन किसने डिजाइन किया है उस फ्लैग को, ये याद रखिएगा, पिंगाली वेंकैया ने हमारे ट्राइकलर फ्लैग को डिजाइन किया है, लेकिन जो अशोक चक्र उसमें है उसका क्रेडिट किसको मिलता है, बी आर अंबेडकर साहब को, ठीक है। इन्हें 1991 में यानी पोस्टमसली मरण उपरांत नोबल प्राइज नहीं
भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न, नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त सेन कंसीडर्ड बी आर अंबेडकर एज हिज फादर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज विनर है अमर्त सेन, वो उन्हें फादर, अपना फादर मानते हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक, यानी वो कहते हैं जो भी इकोनॉमिक्स मैंने सीखी है वो बी आर अंबेडकर साहब से ही सीखी है। याद रखिएगा, भारत रत्न उन्हें 1991 में मिला था। बेस्ड ऑन ग्लोबल सर्वे कॉल्ड द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक, टॉप 100 ह्यूमनिस्ट पीपल की एक लिस्ट बनाई गई है, ठीक, 10,000 सालों में बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी 10,000 सालों में जो चमत्कारिक पुरुष, जो 100 चमत्कारिक पुरुष पैदा हुए हैं इस धरती पे, उसमें फोर्थ नाम जो है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को दिया गया है। याद रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हम हिंदुस्तान के होकर के हम अपने जो हमारे यहां जो चमत्कारिक पुरुष हैं उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, है कि नहीं? ठीक है, विश्व में 10,000 सालों में, पिछले 10,000 सालों में ऐसे व्यक्तियों का जन्म नहीं हुआ है। उन 100 लोगों में फोर्थ नंबर पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम है। ठीक है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, सब जगह बुद्धा की, देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि बी आर अंबेडकर साहब बहुत अच्छे पेंटर भी थे, और उन्होंने बुद्धा की एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उनकी आंखें खुली थी, समझ गए आप, जहां पर भी देखेंगे तो बुद्धा की जो आंखें हैं वो बंद पाई जाती हैं। उन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो बुद्धा की आईज जो थी वो खुली हुई आईज से उन्होंने पेंटिंग बनाई। द फर्स्ट स्टैचू, सबसे पहला स्टैचू बाबा साहेब का कहां पे बिल्ड, कब बिल्ड किया गया था, 1950 में, और ये भी याद रख लीजिएगा कि कहां पे बिल्ड किया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जीते जी उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, याद रखना। ठीक, अंबेडकर साहब वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही हु डिड सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वॉटर, महार सत्याग्रह, ठीक है, उन महार सत्याग्रह एक तालाब था चेलियावाला में, ठीक, चेलुवाला, चेलुवली तालाब, ठीक है। तो इन्होंने जल सत्याग्रह करने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए 18th पॉइंट है, ही स्टार्टेड फोर्टनाइटली जर्नल विश्कृत भारत इन मराठी एंड टू ऑर्गेनाइजेशन समता समाज समाज समता संघ एंड समता सैनिक दल इन 1927। याद रखिएगा, किनके लिए, जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी थे, जो दबे कुचले लोग थे, जो दलित लोग थे, उनके जीवन के उत्थान के लिए, इक्वेलिटी लाने के लिए उन्होंने समता समाज संघ और समता सैनिक दल की स्थापना की 1927 में। इन 1928 द डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी बॉम्बे वॉज फाउंडेड। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों चीजें, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी किसने फाउंड की थी, बॉम्बे में बी आर अंबेडकर साहब ने, और पंडित नेहरू जी ने उनके बारे में क्या कहा था, पंडित नेहरू जी राइटली डिस्क्राइब्ड हिम एज अ सिंबल ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल द ऑपरेसिव फीचर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। उन्होंने कहा था ही इज अ सिंबल ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल द ऑपरेसिव फीचर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो इतनी बातें आप लोगों को बी आर अंबेडकर के बारे में पता होनी ही होनी चाहिए जो आपको नहीं पता होती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा ये लेक्चर जरूर से बताइएगा, ठीक है, और मैं बायजूस एग्जाम प्रेप पर ही सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं। सोशियोलॉजी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 9650052904 पर आपको कॉल करना होगा और जल्दी से बैच को एनरोल कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।